श्योपुर के क्षेत्रीय सांसद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय श्योपुर दौरे पर रहे। नरेंद्र सिंह तोमर ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। आदिवासी विकास खंड कराहल के गौरस ग्राम में आयोजित दुग्ध उत्पादकों एवं स्व सहायता समूह से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौरव क्षेत्र के वन ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन के द्वारा सर्वे पूरा कर लिया गया है और पशुपालक के लिए प्रेरित भी लोगों को किया गया है। गिर गायों को पालने की पहल भी की और इसी क्रम में मालीपुरा में बूथ विस्तारक में शामिल हुए समिति का गठन भी उन्होंने किया। विभाग और सभी लोगों ने चिंता की है और उस काम को भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। विभाग इस दिशा में काम करेगा कि जो गिर उसका संरक्षण हो। हमारे कराल और गोरस के क्षेत्र में चारे की कमी है, इसलिए एक समय ऐसा आता है कि चौपिया को चौपे चराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर केंद्रीय चारागाह विकास के अधिकारियों को मैंने साल भर पहले से लगाया है और उन लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ काम किया है और आज पशुपालकों के साथ भी बातचीत हुई है कि आपके पास जो भी उपलब्ध जगह है उस जगह चारा लगाएं, जिससे कि आपको कहीं भी पशु को चराने के लिए जाना ना पड़े और हरा चारा मिलेगा तो निश्चित रूप से पशु का दूध भी ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा, दूध की मार्केटिंग हो सके, जिसके लिए मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत। उसको 20 करोड़ रुपया दिया गया है जिससे कि दूध की मार्केटिंग हो सके और पशुपालकों को वाजिब दाम मिल सके, साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप अमरूद लिए खेती कर सके और वो अपने छोटे छोटे वाग्यान स्थापित कर सके और जो अमरूद अच्छी किस्म का पैदा हो वो यहाँ से आज़ादपुर मंडी जाए, कोटा जाए और उससे हमारे आजीविका समूहों की आमदनी बढ़े। इस दृष्टि से आज काफ़ी काम इस क्षेत्र में करने की कोशिश की गई है। इसके बाद में मालीपुरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित बूथ विस्तार कार्यक्रम में भी गया और वहाँ भी बहुत अच्छी बैठक हुई। बूथ की समिति का गठन हुआ, पन्ना प्रमुखों का गठन हुआ, बहुत ही उत्साह का वातावरण था। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी बहुत बहुत बधाई दूँ।